क्या कहते हैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड, कहाँ है, कौन है, किस पोजीशन पर है, किसको वोट्स मिल रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हुरगम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई बिग बॉस का खेल निराला कैसे है ये तो इस नॉमिनेशन से ही पता चल जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस मेकर्स ने ट्विस्ट करके नॉमिनेट कर दिया है घर में चार लोगों को, रूबीना द नायक, अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन और आली घोनी। वेल, जिस चीज को लेकर ऑलरेडी वीकेंड के बार पर फटकार लग चुकी हो और उस बात को लेकर फिर से नॉमिनेट कर देना कहीं ना कहीं लगता है कि जायज नहीं है। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि मेकर्स भले ही फुल ऑन प्लानिंग कर रहे हैं कि अभिनव शुक्ला को कैसे गेट आउट किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है अभी फिलहाल ओपनिंग ट्रेंड देखने के बाद तो माजरा जो है वो थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। चलिए आपको बता देती हूँ कि आखिरकार किसको कैसे वोट्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल नंबर वन की पोजीशन पर, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वो है रूबीना द नायक। जी हाँ, सेकंड नंबर पर आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा लेकिन सच्चाई है, सेकंड नंबर की वोटिंग्स मिल रही है अभिनव शुक्ला को। जी हाँ, तीसरे नंबर पर आए थे अपनी दोस्त के लिए, पड़ गए प्यार में और उसके बाद में खेल बन गया खुद का, ये है एली गोनी। पर चौथे नंबर पर नजर आ रही है जैस्मिन भसीन। चार ऐसे कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी भी है और नहीं भी है। अब ऐसे में ये फेरबदल जो है वो तगड़े तरीके से हो सकता है, क्योंकि नंबर वन की पोजीशन के लिए एक बार फिर भी हम कह सकते हैं कि रूबीना बनी रह सकती है, लेकिन बाकी के तीन जो कंटेस्टेंट हैं, अभिनव, आली और साथ में जैस्मिन, इनमें फेरबदल हो सकता है। जब तक कि क्लोज इन वोटिंग नहीं आ जाती है तब तक किसी भी चीज पर बिलीव करना मुश्किल है। वैसे आप लोगों को करनी है हमें, मतलब वोटिंग करते रहनी है थर्सडे 11:30 तक, सो कीप वोटिंग एंड हमेशा देखते रहिए क्या बॉलीवुड हेडलाइंस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।